लकवा आना मेरे को बिजनेस में लाना है। यानी कई बार होता है लोग क्या सोचते पता है, बोला यार मेरे घर में तकलीफ होगी, सर ऊपर वाला तकलीफ भी देता है तो उसके पीछे भी कोई प्लानिंग होती है। सर मेरा फॉलोअप चल रहा था 7-8 महीने से, मेरा फॉलोअप चल रहा था, बार बार मेरे से मिला जा रहा था, लेकिन मेरे नहीं दूसरा बता सर बता। जब मेरे क्या हुआ, अब मैं ये क्यों शेयर कर रहा हूँ आपको, ये शेयर करने का मकसद ये है कि मैं जब ज्वाइन हुआ तो मेरे को सर ने ये बताया, नरेंद्र सर ने, कि महावीर जी आप ड्यूटी पे जाओ आराम से, कोई दिक्कत नहीं। मैं ऑन ड्यूटी था जब ज्वाइन हुआ, कुछ लोगों को नहीं पता है तो बता देता हूँ, ऑन ड्यूटी था, ज्वाइन हो गया और सर ने बोला महावीर जी आप टेंशन मत लो, आप ड्यूटी पे जाओ, जब 3-4-5 महीने के बाद आप काम स्टार्ट करोगे ना, तो मेरे को ये तो पता नहीं था लेफ्ट राइट कौन सी होती है, बोनस इंसेंटिव क्या होती है, लेकिन बोला एक साइड के अंदर 2-250 लोग आ जाएंगे और हम ड्यूटी पे चले गए, ड्यूटी करके भी आ गए, फिजिकल फिट होके भी आ गए, कैटेगरी होना चाहिए था, फिट होके आ गए। आए आने के बाद ऐसे ही फौजी आदमी है, फालतू के कामों में लगे, इधर रिश्तेदारी में जाना, इधर जाना, उधर जाना, और एक दिन महेंद्र सर ने बिठाया, बोला भाई एक काम भी है उसको समझो एक बार। तो महेंद्र सर नहीं, नरेंद्र सर आए और नरेंद्र सर ने मेरे को बिठा के समझाया। सर ने बोला महावीर जी ये, मैं बोला सर दोबारा बताओ ये काम बताओ, अब काम ही करते हैं कोई। दोबारा उन्होंने बिजनेस प्लान बताया, सब कुछ शेयर कर दिया। अब मैं बोला सर वो आईडी कहाँ, कौन सी, बोला जो आपने प्रोडक्ट लिया जब लगाई थी ना वो आईडी एक बार खोलो क्या कुछ है इसका सही। तो सर ने आईडी खोली और सर हकीकत बता रहा हूँ सर, जब आईडी खुली 5 महीने हो गए थे ज्वाइन हुए हुए, 4-5 महीने, और आईडी खुली तो क्या हुआ पता है, उस आईडी खुलने से मेरा माइंड चेंज हो गया। जब आईडी खुली मेरे बोनस साइड में 3 लोगों की आईडी लगी हुई, 3 या 4 की आईडी लगी हुई थी, जो तीनों चारों रेड थी। पहले क्या था कंपनी में, ब्लू वो ग्रीन और रेड आईडी अलग अलग दिखती थी, तो रेड आईडी थी। जैसे ही मैं और खोला तीसरे के बाद तो आगे खुल नहीं रहा, मैं बोला सर ये क्या है आगे तो नहीं जा रहा, बोला सर इतना ही है। तो सर मैं बोला नरेंद्र सर को स्ट्रेट फॉरवर्ड मैं सच बता रहा हूँ, मैंने बोला सर मैं काम नहीं करूँगा। बोला क्या बात है, बात कुछ नहीं सर मैं फौजी हूँ, विश्वास से मैंने काम स्टार्ट किया था, आपने बोला 200-250 लोग आएंगे, यहाँ 3 लोगों की आईडी लगी हुई, तीनों रेड है, मेरे को काम नहीं करना। नरेंद्र सर ने कब महेंद्र सर को व्हाट्सएप कर दिया मेरे को पता नहीं, और मेरे को बोला कोई बात नहीं सर। नरेंद्र सर क्या है, हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, रिप्लाई कम करते हैं, उनसे मैंने भी सीखा है, मैं आज यहाँ हूँ तो उनकी बदौलत, क्योंकि कई चीज़ें हैं जो हर अप्लाइंस से सीखने का मौका मिलता है। सर रिप्लाई नहीं किया कुछ भी, अरे बोला कोई नहीं देख लेंगे सर, देख लेंगे ऐसे करके। बोला सर चलो सर चलते एक बार कहीं चल के आते हैं, और अपाचे थी उनके पास, मेरे को अपाचे पीछे बिठाया और ले कहाँ, महेंद्र सर के घर, महेंद्र सर के घर पहली बार गया था ना, घर गए। अब आप इसमें समझना, आपका सवाल का जवाब आ जाएगा। तो जब घर गए, चाय पानी पी, बढ़िया नमकीन बिस्कुट आए और चाय पानी पी, चाय पीते पीते महेंद्र सर ने एक बात बोली, महावीर जी, बोला हाँ सर, आपके कितने बच्चे हैं, बोला सर बच्चों का तो आपको पता है 2 बच्चे एक लड़का लड़की, इसका क्या लॉजिक हो गया। अरे नहीं मैं तो वैसे ही पूछ रहा था कितने बच्चे हैं, मगर 2 बच्चे। तो यार ध्यान से सुनना, कभी आपके माइंड में आया कि यार मेरी लड़की की परवरिश तो मैं कर लेता हूँ, लड़की की पढ़ाई लिखाई का खर्चा तो मैं कर लेता हूँ, लड़के का मेरा पड़ोसी कर ले। मैं बोला कैसी बात कर रहे हो सर, जब बच्चे मेरे हैं परवरिश भी मैं ही करूँगा ना। नहीं यार कभी याद करो, कभी दिमाग में आया क्या कि यार मेरी लड़की लड़के का मैं खर्चा चला लेता हूँ, लड़की का पड़ोसी या मेरा भाई चला लेगा। मैं बोला सर कैसी बात करो, जब बच्चे मेरे हैं तो परवरिश भी मैं ही तो करूँगा ना। सर ने बोला महावीर जी ध्यान देना, जिस प्रकार से ये 2 बच्चे आपके हैं, और आपको मैंने जैसे ही बोला आपको क्या लगा, अच्छा नहीं लगा, बच्चे आपके हैं, उन दोनों बच्चों की परवरिश करनी आपकी जिम्मेदारी है, उसी प्रकार से SCPL वेलनेस में आपके काम स्टार्ट हो चुका है, आपका लेफ्ट और राइट ये 2 बच्चे भी आपके हैं, इनकी परवरिश करना भी आपका ही काम है। अगर सर ने बोला महावीर जी आपके अपलाइन स्टूडेंट एज के हैं, हो सकता है इनसे नहीं आया होगा, कोई दिक्कत नहीं, आपको अपने खानदान की जिंदगी बदलनी है ना, आपको अपने परिवार की लाइफ बदलनी है, आपको यहाँ अचीवमेंट लेना है, आप चाहते हैं आपकी लाइफ भी नसीब सर की तरह बदले। मैं बोला हाँ सर, क्योंकि मैंने उस टाइम रिसेंटली नसीब सर का ब्लू डायमंड का शो देखा था। आप चाहते हैं ना सर की लाइफ जैसी है वैसी आपकी भी हो। मैं बोला हाँ, तो दोस्त आज के बाद कभी जिंदगी के अंदर ये सवाल मत करना कि मेरे लेफ्ट में अपलाइन डालेगा राइट में अपलाइन डालेगा, ये लेग मेरी है ये मेरे अपलाइन की है। दोस्त सच बता रहा हूँ आपके सामने, उस दिन मैंने सर को एक ही बात बोली थी, गुरुदेव आज के बाद मेरे मुंह से आप नहीं सुनेंगे, आज के बाद मेरे मुंह से आप नहीं सुनेंगे कि मेरी ये लेग आप चला देना, ये आप चला देना।
बस एक काम चाहिए मेरे को, इस काम को करने लायक बना देना, बाकी सब आ जाएंगे, लोगों की कोई कमी नहीं है।